कि पहला प्रश्न में वो ए में किया था कि बी में किया था, कि सी में किया था, कि डी में किया था, क्योंकि वहां भी एनालिसिस होगी कि अगर ए में किया है, मान लीजिए सी उसका उत्तर है, ए में वो किया है, तो जो ए का प्रश्न है सर, उसमें कुछ ना कुछ गलती ऐसी बनाई गई है कि वो पता चलेगा वहां पर कि इस बच्चे को इस प्रश्न में ये चीज समझ में नहीं आई। हर विकल्प कोई ना कोई फॉल्स रीजनिंग लेके चल रहा है, तो इसलिए हम बच्चे को वहां पे देखना चाहते हैं। तो ये जेन्युइन टेस्ट है और हम जो है एसेसमेंट हार्ड लर्निंग के लिए हम यहाँ बैठे थे, सारी ट्रेनिंग के लिए, इस जो सिखाने के दौरान जो आपको टेस्ट लेना है पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम आपको तैयार करके भेज रहे हैं। और जो एसेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो स्टेट लेगा, एसेसमेंट ऑफ लर्निंग स्टेट लेगा, लेकिन एसेसमेंट हार्ड लर्निंग आप करेंगे और आप जितने भी रिकॉर्ड रखते हैं आप रफ वर्क में रिकॉर्ड रख सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होगी, अधिकारी नहीं मांगते हैं, ना ही वो आपके अपने नहीं। आप धीरे धीरे सीखेंगे इस तरह से और आप अपने बच्चे को इस लायक बना पाएंगे कि वहां सिस्टम को जब डाटा देना होगा तो उसके लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत कहीं ना कहीं से सुधार होगी सर, और उस बात आप करने में सक्षम है, ऐसा मेरा विश्वास है।